नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC की वैकेंसी आ चुकी है 10th प्लस 12th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए। तो हम उस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम अपना गूगल खोल लेते हैं, और यहाँ पर सरकारी रिजल्ट जो कि एक सरकारी साइडों के लिए, सरकारी जॉब्स के लिए एक बहुत ही अच्छी साइट है। अगर आप कोई भी नई रिक्वायरमेंट चेक करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों साइट ओपन की लेते हैं और चलते हैं सरकारी रिजल्ट की होम पेज पर, ठीक है ना। जो सरकारी रिजल्ट का होम पेज है वहीं पर चलते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में आपको लेटेस्ट जॉब का ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में लेटेस्ट जॉब का ऑप्शंस मिल रहा है, तो वहीं पर आपको पहली लिंक मिल जाएगी SSC CHSL 2017 ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है ना। तो हम लिंक को ओपन की लेते हैं और जानकारी देखते हैं क्या कैसा रिक्वायरमेंट मांग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको LDC GSA पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर कुछ इस तरह की जॉब्स मिलती हैं, और यहाँ पर एज लिमिट है 18 से 28, ठीक है ना। और बाकी जो आपकी जैसे कि जो भी आपकी कैटेगरी होगी SC ST OBC, उस आधार पर आपको अधिक छूट मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर 10th प्लस 12th यानी कि 12th मांगी गई है आपसे कम से कम क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपकी ऑनलाइन फॉर्म की डिटेल्स, मतलब कि कब तक आपका फॉर्म भरेंगे और कब से स्टार्ट हुए थे, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे 18 तारीख से ही स्टार्ट हुए थे डलना फॉर्म, और यहाँ पर 4 तारीख तक आपके जो फॉर्म है वो डलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शंस जो होता है, मतलब कि पेमेंट का जो सेकंड ऑप्शंस होता है, वो उसके लिए डेट दी गई है 8 तारीख। क्योंकि क्या होता है कई बार कि साइट पर ज्यादा लोड होने के कारण साइट नहीं चलती है, और यहाँ पर हम अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और पेमेंट नहीं कर पाते हैं 4 तारीख तक। तो यहाँ पर हमें 8 तारीख तक पेमेंट करने की सुविधा दी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए आपकी 100 रुपीज फीस है। आप नेट बैंकिंग ATM के माध्यम से आसानी से पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद देखिए SC ST के लिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 फीस है, और लड़कियों के लिए साथ ही साथ फीमेल के लिए भी 0 फीस रखी गई है। तो लड़कियों के लिए मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि वो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फॉर्म हो उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। खास तौर से लड़कियों के लिए वो आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सारी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल पोस्ट देखिए LDC की टोटल पोस्ट आपको 898, और जी आपको पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट की आपको 3259, ठीक है ना। इस तरह की डाटा एंट्री की है 2, इस तरह की कुछ टोटल पोस्ट आपको अवेलेबल यहाँ पर होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ जरूरी लिंक्स आपको मिल रही होंगी, जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन, पे एग्जाम फीस, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ना। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, और अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो SSC का कंप्लीटली जो नोटिफिकेशन होता है उसे पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर अगर आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है और आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ पर फीस सबमिट कर सकते हो और यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मिल रहा है इस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकोगे, ठीक है ना। देखिए कुछ इस तरह का होम पेज खुलकर आएगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो आप करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर कुछ स्टेप होते हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर नाम डालना होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा अपना, ठीक है ना। इसके बाद पिता का नाम डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर केवल और केवल एग्जाम्पल के लिए डालकर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पर मदर नेम्स डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने 10th का रोल नंबर डालना है, ठीक है ना।
टेंथ क्लास का जो रोल नंबर होता है दोनों बॉक्सों में सेम डाल देना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद पिक्चर जो भी पिक्चर कोड आपको दिख रहा हो उसे डाल दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब एंटर करने के बाद देखिए देखिए एंटर करने के बाद कुछ इस तरह की बेसिक डिटेल्स आपके लिए डालने के लिए आएगी, ठीक है ना। जैसे कि बेसिक डिटेल्स में आपको डालना है यहाँ पर आपके शरीर पर कोई चोट का निशान या फिर कोई तिल वगैरह हो, कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ हो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको आपकी यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पर अगर आप अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हो तो एस करिएगा वरना ना करिएगा। फिर इसके बाद इंडियन कर दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अगर आप डिसेबिलिटी हो मतलब हैंडीकैप हो तो आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है ना। इसके बाद एड्रेस डाल दीजिएगा और यहाँ पर अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है ना, सही ईमेल आईडी और सही मोबाइल नंबर डालिएगा, और यहाँ पर पिक्चर आईडी डालकर सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फोटो आपका, फोटो और सिग्नेचर दोनों के दोनों आपके 4 KB से 12 KB के बीच में होने चाहिए, ठीक है ना। एक अलग से फोटो का फोटो को स्कैन कीजिएगा और एक अलग से सिग्नेचर को स्कैन कीजिएगा या फिर 100 DPI में स्कैन करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्रॉपिंग करके उसको आपको 4 KB से 12 KB के बीच में साइज लाना है, ठीक है ना, उसका, और अपलोड कर दीजिएगा तो आपके अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद अपलोड करने से पहले जहाँ पर हम अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं उसके ऊपर आपको आईडी पासवर्ड शो करेगा, तो आईडी पासवर्ड को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप आईडी पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप अगर आप रीसेट करोगे तो आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर सेंड हो जाएगा आईडी पासवर्ड, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको अपना सेंटर सिलेक्ट करना है और कुछ जरूरी चीजों पर एस नो करना है, एड्रेस डालकर सबमिट कर देना है फॉर्म, तो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां से आपको अपना जो आपका प्रिंट होता है वो PDF प्रिंट डाउनलोड करना है, ठीक है ना। जो आपका आईडी पासवर्ड होता है यहाँ पर डाल दीजिएगा, यहाँ पर पिक्चर आईडी सबमिट कर दीजिएगा, जो जो भी आपका PDF होता है फॉर्म का, फॉर्म की जो रिसीप्ट होती है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी, उस डाउनलोड फॉर्म की रिसीप्ट को प्रिंट कर लीजिएगा और संभाल कर रखिएगा, ठीक है ना। और तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, अगर वीडियो में और अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।